नमस्कार मेरे बच्चों, पूर्व व्याख्या में हमने सिंघल द्वीप की प्राकृतिक संपदा, उसका सौंदर्य, उसके मनमोहक रूप का वर्णन किया। आज हम नगर के ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। आप देखिए, पुनि देखी सिंहल के हाटा, नवो सिद्धि लक्ष्मी सब बाटा, कनक हाट सब कुकुमी लीपी, बैठ महाजन सिंहल द्वीपी, रचही हथौड़ा रूपन ढारी, चित्र कटाव अनेक संवारी, सोन रूप भल भयं पसारा, अचल गिरी पोतही सब सब पारा, रतन पदारथ मानिक मोती, हीरा लाल तो अनगन मोती, और कपूर बेना कस्तूरी, चंदन अगर रहा भरपूरी, जिन एही हाट न लीना बेसाहा, ताक आन हाट कित साहा, कोई करे बेसाहिनी काहू केर बिकाई, कोई चले लाभ धन कोई मूर गवाई। अब देखिए, हाट में क्या होता है, बाजार, वाटा मने मार्ग होता है, सब बाटा मने समस्त मार्गों से, कुमकुम होता है कुमकुम केसर, महाजन मने व्यापारी होता है, और हपौड़ा मने हाथ का कड़ा, रचही मने बनाना होता है, लिपि मने पोती हुई, रूप मने चांदी चांदी, और ढारी मने ढालकर, चित्र कटाव का चित्रों के कटाव से, सोन रूप होता है सोना चांदी, है ना, रूप मने होता है चांदी, सोन सोन रूप मने चांदी, पसारा मने फैलाव, धलव धवल सिरी श्वेत रोली, मतलब धवल सिरी मने होता है रोली, धवल मने सफ़ेद, है ना, श्वेत रोली, अनगन मने अनोखी, जिसका जिसका कि जिसका बनाना या जिसका गणना मानव शक्ति से पर हो, अनगण, है ना, गण, पदार्थ मने बहुमूल्य पत्थर, बेना मने खस, और बेसाहा मने सौदा खरीदना, आन मने अन्य, और लाहा मने लाभ, और बेसाहिनी मने होता है खरीद फरोख्त करना, मूर मने मूलधन, है ना। अब देखिए उसमें क्या वर्णन किया है कवि ने वहाँ के नगर का, शहर का, फिर सिंघल नगर का बाजार। अब उसकी प्राकृतिक संपदा को देखने के बाद में वहाँ के जो बाजार हैं उनका भी वर्णन कवि करते हुए कहता है, फिर आप सिंघल नगर का बाजार देखिए जो कि देखने योग्य है, उसके समस्त मार्गों में नव निधियाँ और लक्ष्मी दिख पड़ती है, मतलब वह वैभव से ऐश्वर्य वैभव से भरी पड़ी है, वहाँ की कनक हाट सबकी सब के सब केसर से लिपी हुई है, उस कनक उस सोने की जो बाजार है वह केसर से लिपी हुई है, उसमें वो पीली आभा से सुवासित हो रहा है, उस पीली आभा से वो सुशोभित हो रहा है और सुगंधित भी हो रहा है, जिसमें सिंघल द्वीप के महाजन बैठते हैं, वे चांदी को हाथों से ढालकर हाथों कड़े बनाते हैं, जिनको अनेक प्रकार के चित्रों के कटाव में सांवारा जाता है, जो हाथों के कड़े हैं उनमें अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, उस बाजार में सर्वत्र सोना और चांदी का प्रसार है, और समस्त घर द्वार सफ़ेद रोली से पोते हुए हैं, इतनी सुंदरता है वहाँ पर बाजार में सर्वत्र सोना और चांदी ही चांदी मिल रहा है, चांदी की दुकानें हैं जो अत्यंतिक सुंदर प्रतीत हो रही हैं, और सभी के घर और द्वार जो हैं सफ़ेद रोली से पोते हुए हैं, सबने अपने घर के आगे सुंदर से डिजाइन बनाए हुए हैं, सो सुंदर से उसको पोता हुआ है, मणिक रत्न मणिक मोती हीरा और लाल के ढेर लगे हैं, मतलब जैसे जितने मणि हैं मणियाँ हैं, जितने रत्न हैं, जितने मोती हैं, उनके ढेर भी लगे हुए हैं, जिनकी ज्योति अद्भुत वर्ण की है, उनकी सबकी अलग अलग ज्योति है, अलग अलग आभा है, और वह अत्यधिक मन को मोहित करने वाला है, इस बाजार में कपूर खस कस्तूरी चंदन आदि सुगंधित बाजार सब सुगंधित पदार्थ भी भरे पड़े हैं, सोने चांदी के अतिरिक्त इस बाजार में कपूर के खस के कस्तूरी चंदन इसके सुगंधित पदार्थ बिक्री के लिए भरे पड़े हैं, और जिनकी सुगंध से यह बाजार जो है वह सुवासित हो रहा है, जिसने इस बाज़ार में सौदा नहीं खरीदा उसे किसी दूसरे बाज़ार से खरीदने में क्या लाभ हो सकता है, मतलब इतना सुंदर बाज़ार, इतना स्वच्छ और इतना आभावान जो बाज़ार है, इस बाज़ार में जिसने सोना जिसने सामग्री नहीं खरीदी वह दूसरे बाज़ार से भला क्या खरीद सकता है, दोहा देखिए, इस बाज़ार में कोई सामान खरीदता है और किसी का सामान बिकता है, यहाँ से कोई लाभ के साथ जाता है और कोई अपनी गांठ का मूलधन भी गंवा उठता है। अब देखिए यहाँ पर
जो कवि है इसमें जो ये है सिंघल द्वीप का जो हार्ट का वर्णन किया है, इसमें हमें दूसरा अर्थ भी दिखाई देता है। इसमें आध्यात्मिक संकेत भी कवि ने दिया है, क्योंकि पूरी जो पद्मावत है, इस पद्मावत में एक केवल सामान्य अर्थ ही नहीं है, इसके अलावा इसमें और आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा हुआ है। अभी कह रहा है कि यह संसार जो है एक हाट है, एक बाज़ार है, और मानव क्रय विक्रय करने वाला है ना। मानव यहाँ खरीद फरोख करता है। मानव जीवन संसार में सत्कर्म करके परलोक सुधारने के लिए प्राप्त होता है। जो मनुष्य सत्कर्मों द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, वो इसी संसार रूपी हाट में लाभ प्राप्त करते हैं और अंत में पश्चाताप करते हैं। वे खाली हाथ ही संसार बाजार से जाते हैं, और क्योंकि और जो इस माया मोह में फंस जाता है, जो इसे कुछ कर नहीं पाता, वो इसी संसार बाजार में रह जाता है। और जो इस संसार में आकर अपने ज्ञान द्वारा, अपने तप द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्ति की प्राप्ति करता है। इसी भाव को तुलसीदास जी ने भी कहा है, जैसे नर तनु सम नहीं कब नेहु देही, जीव चराचर जाचत जेही, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही, है ना। साधन धाम धर्म कर द्वारा पाई न जे ही सुरलोक हमारा। यह मनुष्य शरीर हमें हमें मिला है, तो यह मनुष्य शरीर केवल हमें ऐसो आराम करने के लिए नहीं मिला है, केवल माया मोह में फंसने के लिए नहीं है, बल्कि हम संसार में आकर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसमें तो समासोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार भी है इसमें। अब आगे देखिए दूसरा वाला, पुनि सिंगार हाट भल देशा, किए सिंगार बैठी तह बेशा, मुख तमोल तर चीर कुसुम्भी, कानन कनन जड़ाऊ खुम्भी, हाथ बीन सुन मिरग भुलाही, नर मोहि सुन पैग न जाही, भौंग धनुष तिन नैन अहेरी, मारही बान सान सौ फेरी, अलग कपोल डोल हंसी देही, लाई कटाच मारी जीव लेही, कुछ कंचुक जानो जुगसारी, अंचल देहि सुभवहि ढारी, केत खिलार हारी तहि पासा, हाथ जारी उठ चलहि निराशा, चेटक लाई हरि हि मनु, जब लही होइ गत फेंट, साठ नाठि उठि भय बटाऊ, ना पहचान न भेंट। बेसा किसे कहते हैं? वैश्याओं को। तमोल मन होता है पान, खुम्बी मन होता है कानों में पहनने वाला आभूषण, मृग मन मृग होता है हिरण, भुलाही मन भूल जाता है, और अहेरी मने शिकार होता है, सान मने सान एक पत्थर होता है जिसमें घिसकर बाणों को तीखा किया जाता है, फेरी मने तेज करना, अपल अलग मने होता है कपोल, है ना, उसकी डोल मने उसकी अलकें कपोलों पर डोल रही हैं, हंसी देही मने हंस देती हैं, ज्यू मने प्राण, कंचुक मने चोली, सारी मने चौसठ की जो गोट होती है, और केत मने कितना, खिलार मने पैसा खेलने वाले, है ना, चेटक मैंने जादू टोना, गत मैंने पूंजी, साठी और साठ नाठी में दशा को बिगड़ने पर, बटो मैंने पथिक, नाठी मैंने नष्ट होना। अब यहाँ पर जैसी जो है सिंगार जो सिंघल नगर है वहाँ की सिंगार हाट का वर्णन करता है कि वहाँ की वैश्याओं का वर्णन किया है। फिर कवि जो है सिंघल नगर का वर्णन करता है, वह सिंघल नगर का जो यह हाट है, जो श्रृंगार का हाट है, वह अनोखा ही है। यहाँ पर श्रृंगार करके वैश्याएँ बैठी हुई हैं और वे मुख में कपान चबाए हुए हैं और शरीर पर कुसुम भी चीर धारण किए हुए हैं। वो लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं और उन्होंने मुख में तमोल अर्थात पान लिया है और उनके कानों में सोने की जड़ाऊ खुम्बी शोभा दे रहे, मतलब जो जड़ाऊ आभूषण है वह उनके कानों में शोभायमान हो रहा है, और उन्होंने हाथों में वीणा ली हुई है जिसकी ध्वनि सुनकर मृग अपनी सुधी बुधी भूल जाते हैं। वो इतना सुंदर बजाती हैं, इतना मधुर बजाती हैं कि जिसकी ध्वनि को सुनकर जो मृग हैं, जो हिरण हैं, वो अभी अपनी सुधबुद भूल जाते हैं और मनुष्य ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि एक पग भी आगे नहीं चल पाते हैं। वो वैश्याएँ जो हैं वो अपने रूप से, अपने वाद्यंत्र से, अपने जो वीणा बजा रही हैं उस वीणा की जो धुन है उससे वह सभी को मुग्ध कर लेते हैं और मनुष्य ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
उनकी भौहें धनुष के समान है और नेत्र शिकारी है। नेत्र शिकारी बने हुए सान पर फेरकर तीक्ष्ण किए हुए वाण मारते हैं। मतलब वो अपने उसके नेत्र के धनुष के भौहें धनुष के समान है और नेत्र शिकारी है, क्योंकि वह अपने जिस प्रकार से शिकारी जो है अपने तीर से शिकारी पर संधान करता है, उसको मार डालता है, उसी प्रकार से ये वैश्याएँ भी जो हैं वह पुरुषों को अपना शिकार बनाती हैं। केसों की लटें उनके कपैलों पर झूलती हैं और वे हंस देती हैं। कटाक्ष रूपी वाण मारकर वह प्राणों का हरण कर लेती हैं। तो उनकी जो लटें हैं सुंदर, उनके कपोलों पर झूलती हैं और वह अपने हंसी से वह मनुष्य पुरुषों का जो प्राणों का जैसे हरण ही कर लेती हैं, उनको पूरी तरह से अपनी ओर मुग्ध कर लेती हैं। उनकी कंचुकी में कसे हुए कुछ मानो दो गोटे हैं जिन पर वे सुंदर ढंग से अपना आंचल खिसका देती हैं। कितने ही खिलाड़ी उन पासों से खेलकर हार गए और समस्त पूंजी समाप्त कर अंत में हाथ झाड़कर निराश होकर चले गए। वो जो वैश्याएँ हैं अपनी ओर अपने शारीरिक आकर्षण द्वारा मनुष्यों को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, उनको फंसा लेती हैं और वह जो है मनुष्य जो हैं वह पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और सब कुछ उनके पासों से खेलते हुए वो सब कुछ हार जाते हैं और अंत में निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। जब तक मनुष्य के पास में धन रहता है तब तक वे वैश्याएँ अपने आकर्षण का जादू टोना करके उनके मन को हरती रहती हैं, किंतु ज्यों ही उनकी दशा बिगड़ती अर्थात उनकी पूंजी समाप्त हो जाती है तो वे उससे पूछती तक नहीं है, उनको वो जानती तक नहीं है और उनसे ऐसा व्यवहार करती हैं कि जैसे उससे जान पहचान ही न हो। उसे वहाँ से व्यवस्था की स्थिति में उठकर मार्ग का पथिक बनना पड़ता है, अर्थात वैश्याएँ भी उसको नहीं पूछती हैं। जो उसके सुख के दिनों में थी, जो जब धनवान था तब वो उसके साथ थी और सारी धन संपदा लेकर वह फिर उसको पहचानती भी नहीं है। देखो भौह में धनुष ने इसमें रूपक अलंकार है, भौह में धनुष बंध है ना, धनुष की उपमा की है। नैन अहेरी कटाक्ष वाण आरोप होने का यहाँ पर रूपक अलंकार है। कुचों में गोटों की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है और केत खिलार में निराशा समासोक्ति अलंकार है। अब देखो इसमें इस दोहे में हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य जो है यह संसार भी वैश्याओं के समान ही है, अपने ओर आकर्षित करता है मनुष्य को और वह इस संसार में इतनी माया मोह भरा पड़ा है तो मनुष्य को अपनी ओर वो आकर्षित कर लेती हैं। और जब मनुष्य हार जाता है, वो अपना सब कुछ लुटा बैठता है तो उसको अंत में इस संसार से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तो यहाँ का संसार जो है आकर्षण है इसमें बहुत ज़्यादा, उस आकर्षण में मनुष्य जो है फंसते चले जाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर जो आध्यात्मिक अर्थ इसका दिया है, जो दूसरा अर्थ है इसमें, यही है कि यह संसार भी वैश्याओं के हार्ट के समान ही है और यहाँ पर मनुष्य जब तक उसके पास में धन संपदा होती है वो अपने आप को लुटाते रहता है और जैसे ही धन संपदा समाप्त हो जाती है तो उसके अपने लोग भी उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो ये सारी जो माया मोह है, जो वैभव है, यह समाप्त हो जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता है और वह लुट कर खाली हाथ ही संसार से चला जाता है। इसलिए कभी हमेशा मनुष्य को संयत व्यवहार ही करना चाहिए।